हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप लोग भी मछली का पालन करते हैं, आपका मछली का व्यवसाय है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कुछ ट्रॉली गोबर का मंगवाया है, तो आपने देखा ही होगा मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आप मछलियों को सस्ता से सस्ता क्या खिला सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ ट्रॉली हमने गोबर मंगवा लिया था, फिर इसमें हम थोड़ा सा डाई फास्फेट इसमें मिला देंगे अच्छे से। देखिए कैसे मिलाया जा रहा है, इसको चारों तरफ ऐसे छिड़क के अच्छे से डालिए, फिर इसको उलट पलट के मिला दीजिए। ऐसे ही इसको पूरा जब तक अच्छे से मिल ना जाए इसको आप मिला लीजिए। उसके बाद आपको कम से कम इसको एक हफ्ते 4-5 दिन तक इसको चारों तरफ से कवर करके प्लास्टिक से या किसी भी चीज़ से आप कवर कर लीजिए, इसको रख दीजिए। फिर 6-7 दिन बाद हम इसको खोलेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मिलाया जा रहा है। देखिए अभी अच्छे से मिल चुका है, इसको ढक के रख दिया गया है। अब आज 7 दिन बाद इसको हम लोग खोले हैं और ये तसले में भर के, आप चाहें तो 2 तसले 3 तसले, जैसा भी जितना बड़ा आपका तालाब हो, जितनी उसमें मछलियां हो उसी के अकॉर्डिंग आपको डालना है। तो हम लोग 2 तसला डाल रहे हैं, आपको इसमें 3-4 दिन का गैप देना है जब दूसरी बार देंगे। तो ये लीजिए, इसको तालाब में ऐसे ही फेंक दीजिए, मछलियाँ खुद आकर अपना खा लेंगी। हम लोग फेंके तो मछलियाँ अभी दिखी नहीं, बाद में आके वो अपना खाना खा लेंगी। तो देखा दोस्तों, ये है सबसे सस्ता खाना मछलियों को बढ़ाने के लिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।